फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आप देख रहे हैं राघव गौशिक्स के चैनल पे एक और नई वीडियो जो कि है DHC के डैश कैम के ऊपर। जी हाँ, आप सबके लिए आज एक DHC का डैश कैम हम दिखाने जा रहे हैं जो कि है C01 मॉडल विद रियर फ्री कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, DHC जो कि एक अपने आप में क्वालिटी के लिए जाना माना ब्रांड है इंडियन मार्केट के लिए, और आप देख रहे हैं आज इसमें अल्ट्रा 4K HD रेजोल्यूशन वाला DHC की तरफ से एक डैश कैम जिसको स्क्रीन साइज आता है 3 इंच और विद फ्री रियर कैमरा। और मॉडल इसका रहने वाला है C01 कार डैश कैम। और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन यहाँ दी गई है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और 12 मंथ की ब्रांड वारंटी इसके अंदर आती है। 256 GB का SD कार्ड ये सपोर्ट करता है। और सबसे बढ़िया बात, 18 आवर्स की रिकॉर्डिंग इसके अंदर रहेगी अगर आप इसके अंदर 256 GB का मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हो तो। और इसके अंदर देखो, यहाँ पे लिखा गया है DVR 4K रेजोल्यूशन फ्रंट एंड रियर कंबाइंड 2K प्लस 1080p रेजोल्यूशन। और इसके लिए अगर आपको वाईफाई वाली अपनी ऐप चलानी है तो ऐप आप इसको QR कोड को स्कैन करके चला सकते हो, और या फिर KCAM के नाम से इनकी ऐप ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर के ऊपर दोनों अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड करके आप वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। और सीरियल नंबर वगैरह दिया गया, 2K यहाँ बैजिंग दी गई है और यहाँ पे 4K की बैजिंग है। साइट से एड्रेसेस और फॉलो के लिए दिया गया, और WDR सपोर्ट करता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद शॉक सेंसर इसके अंदर दिया गया है। और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है, फ्रंट यूनिट वायरिंग किट, रियर यूनिट मैनुअल। रियर की बात करें तो MRP आप चेक कर सकते हैं, 17,999 रुपये इसका MRP है। और लेने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट carconceptshop.com, और कॉन्टैक्ट बेसिस पे एक अच्छा डिस्काउंट आपको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे एक वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड में देखो, यहाँ पे 12 मंथ्स की ब्रांड वारंटी हमें मिल जाती है जो कि मेंशन्ड है। आपने इसको सेफ रखना है किसी भी तरीके की वारंटी क्लेम के लिए। उसके बाद में हमें मिल जाता है एक डैश कैम। डैश कैम सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत अच्छी चीज़ है। हाथ के साइज़ का डैश कैम है, आप देख पा रहे हो। और ये इसको जो आपकी फ्रंट विंड स्क्रीन है इसके ऊपर स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए दिया गया है। ऊपर AV इन की पोर्ट है, और यहाँ पे हार्डवेयर किट या फिर चार्जिंग सॉकेट जो साथ में आती है उसके थ्रू आप इसको लगा के ऑन कर सकते हो, और बैटरी बेस्ड है ये। और सामने इसका एक लेंस दिया गया है जो कि शूटिंग के लिए है, और ये टिल्टेबल है अप साइड डाउन साइड राइट और लेफ्ट, और इसको आप घुमा भी सकते हो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बस थोड़ा सा, ताकि गाड़ी की टिल्ट पोजीशन या फिर टेढ़ी खड़ी है गाड़ी या फिर आपने इसको गलती से टेढ़ा फिट कर दिया तो सामने से सीधा ही कैप्चर करेगा। DHC की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, और 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन की यहाँ बैजिंग दी गई है। और ये एक स्पीकर है, और यहाँ सामने की तरफ में दो लाइट्स आती है, ब्लू और रेड, जो कि रिकॉर्डिंग और कैप्चर के टाइम ऑन होती है। और इसके बाद में यहाँ TF कार्ड देखो यहाँ पे दिया गया स्लॉट, जिसके अंदर आप 256 GB तक का कार्ड डाल सकते हो। तीन बटन हैं, अपसाइड डाउन साइड और ओके, और ये वाला ऑन एंड ऑफ ओके के लिए यूज़ होगा। और ये 3 इंच की LED डिस्प्ले है, क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये इस कैमरा की क्वालिटी थी जो नाइट के टाइम पे पूरा क्लियर कैप्चर कर रहा था, 4K रेजोल्यूशन हमें आउट दे रहा था। और 12 मंथ की ब्रांड वारंटी आ जाती है, यहाँ तक कि आपने अगर इसको गाड़ी में लगा हुआ उतारना है तो ये आपका गाड़ी में स्टिक रहेगा और ये ऐसे उतर जाएगा, और वापस से आप इसको अपनी गाड़ी में ऐसे लगा पाओगे। और यहाँ पे AV इन के थ्रू आप रियर कैमरा एक्सेस कर सकते हो। रियर कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके का एक रियर कैम मिल जाता है, जो कि लगाने के बाद में हम इसको ऐसे इंटर रोटेट कर सकते हैं ऐसे, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और ये सीधा रखने के लिए इस तरीके से ऐसे सीधा रहेगा गाड़ी के अंदर, यानी कि ये पोर्शन सामने और ये वाला ऊपर, तो ये सीधा है पीछे के कैमरे के लिए। और ये वायर 6.5 मीटर की इसके अंदर दी गई है, और ये कनेक्टर टू कनेक्टर आती है, तो किसी भी तरीके का
कोई वायर कट या फिर कपलर कट नहीं होगा और ये प्लग एंड प्ले होता है। इसी के साथ में हमें इसकी हार्डवेयर केबल मिल जाती है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जस्ट ये जो इसके अंदर USB टू टाइप ए, जो सबसे पहले हमारी USB पुराने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आती थी, तो ये लोग टाइप सी के ऊपर स्विच नहीं हो पाए किसी कारण से, आई डोंट नो। बट क्या है ना कि इसके अंदर दो बेनिफिट है, एक तो ये वायर यहीं पे लगी रहेगी, आपको किसी भी तरीके का माइंड में ये नहीं रहेगा कि ये वायर यहाँ लंबी है तो मैं इससे अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ, तो ऑक्यूपाइड नहीं रहेगी, स्पेसिफिक सिर्फ कैमरा के लिए ही है। और इसके लिए एक लाइटर सॉकेट वाला जो चार्जर हमें चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो साथ में दिया गया है, तो इसके अंदर हम इंसर्ट करके इसको कैमरा को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद में फ्रेंड्स, इसमें अगर आपने हार्डवेयर किट लगानी है, आपने चार्जिंग सॉकेट वाला ऑप्शन अपना ऑक्यूपाई नहीं करना, तो आप इसके लिए हार्डवेयर किट अलग से ले सकते हैं, वो एक मिनिमल सी कॉस्ट पे आपको मिल जाएगी। और साथ में कुछ टक इन टूल और रिबिट्स वगैरह दी गई हैं जिससे आप ग्लास के ऊपर या फिर साइड में पैनल के ऊपर कहीं भी अपनी वायरिंग को रोक सकते हो। और दो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म दी गई हैं कुछ इस तरीके की, जिसको आप लगा के तो ये इसमें कट बना हुआ है, इसके ऊपर अपना कैमरा ऐसे आप फिक्स कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो अपने कैमरा को। पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ग्लास को अपने अंदर से साफ करो, सेम एज फास्ट टैग आप इसको चिपका लो और ये लग जाएगा। और फ्रेंड्स, क्वालिटी की बात की जाए तो वेट में तो कुछ खास नहीं है, पर क्वालिटी मैं पर्सनली चेक कर चुका हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। यहाँ तक कि मैंने आपके लिए पहले एक दो तरह के डैश कैम और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करे हैं, पर मेरे को कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट रिलायबल लगा फॉर पर्सनल यूज़। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो मैं अभी जस्ट आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि पिक्चर क्लैरिटी कैसी आएगी। तो गाइस, अभी ये कैमरा ऑन हो चुका है और जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऑन होने का फंक्शन क्या है। हमने इसको यहाँ लगाया ऐसे, और पहले तो ये चार्ज हो रहा है, और देखो DHC की ब्रांडिंग थी यहाँ पे। इसके बाद में देखो नो कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, पर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइव देखने के लिए। और ये वाईफाई बेस्ड है, KCAM की एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके थ्रू आप अपना वाईफाई इसमें कनेक्ट करोगे, पासवर्ड है 1234567 8। कनेक्ट करने के बाद में आप इसको अपनी गाड़ी में लगा लो, और इसको उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जितने भी वीडियोज़ जो लूप रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप अपने फ़ोन पे ही एक्सेस कर पाओगे। तो कैमरे की क्वालिटी आप देख पा रहे हो, जो टिल्ट का ऑप्शन है इसके अंदर, देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो ऐसे घुमा सकते हो, ऊपर नीचे की आप इसमें रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आप इसको टिल्ट फंक्शन करके अपने गाड़ी के अंदर कैसे भी सेट कर सकते हो कि आपको फोकस मेन रोड का कहाँ पे चाहिए। और उसके बाद में अगर क्वालिटी की बात की जाए इसकी आउटपुट या फिर इनपुट की, तो आप सामने देखो पूरा क्लियर विजिबल है और वाइड एंगल ये पूरा दिखा रहा है। और ऐसे ही अगर इसका रियर कैम हम देखें तो रियर कैम इसका यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये पीछे ऊपर की तरफ आ गया। रियर कैम मैं आपको सेपरेट में दिखा देता हूँ, तो ये इसका रियर कैम है जो कि सेपरेट चल रहा है ऐसे, और ये रियर कैमरा की क्वालिटी है। अभी इसके ऊपर फिल्म लगी हुई है तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, पर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और इसके अंदर पीछे लाइट भी आती है। तो रियर कैमरा को मैं निकाल देता हूँ और ये फ्रंट पे ऑटोमेटिकली स्विच हो गया। तो फ्रेंड्स, यही था वो DHC का डैश कैम, और ये सभी कस्टमर्स को रिकमेंडेड है। आप इसको किसी भी गाड़ी में प्लग एंड प्ले बेसिस पे लगा सकते हो, चाहे वो आपका ट्रक है, बस है, यूटिलिटी व्हीकल है, कैरेज व्हीकल है, गुड्स व्हीकल है, या फिर आपका पर्सनल पैसेंजर व्हीकल है यानी कि गाड़ी, और कोई भी SUV, MUV, सेडान और हैचबैक, उसके अंदर आप इसको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले लगा सकते हो। कोई वायर कटिंग नहीं है और कोई भी वायर ऑल्टर नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली लग जाता है। तो लेने के लिए विजिट करें आप हमारी वेबसाइट carconceptshop.com, और डिस्काउंट कोड अवेलेबल है ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, और आप इसको अपने घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। 12 मंथ की ब्रांड वारंटी है, जस्ट आपको बिल एंड वारंटी कार्ड सेफ रखना है किसी भी वारंटी क्लेम के लिए, और आप इसको अपने किसी भी सिटी किसी भी स्टेट में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हम डिलीवर करते हैं पैन इंडिया थ्रू श्री मारुति कोरियर और डिलीवरी कोरियर। और सेकेंडली, हमारा स्टोर नारायणगढ़ हरियाणा में लोकेटेड है, और आप आकर भी फिट करवा सकते हैं। नारायणगढ़ हरियाणा यानी कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की बेल्ट में पड़ता है, वैसे नारायणगढ़ बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में, पर हमारा अभी तक एक ही आउटलेट है, एक ही स्टोर, एक ही फ्रेंचाइजी है जो कि सिर्फ नारायणगढ़ में है। इन केस अगर हमारा कोई नया स्टोर ओपन होगा पैन इंडिया कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे, तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा और उस एड्रेस पे भी फिर आप विजिट करके इस प्रोडक्ट को लगवा पाएंगे। बट टिल अभी के लिए
कोई भी हमारा अलग से सेकंड स्टोर नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, हमारे नाम पर अगर कोई आपसे फ्रॉड करता है, कोई पैसे मांगता है या कोई लकी ड्रॉ के लिए पैसे मांगता है, तो प्लीज़ बी अवेयर रहें और किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट ना करें। हमारे दो ही नंबर्स हैं और आपको वो स्क्रीन पे मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, बॉटम पेज में भी मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नई नई वीडियोस, नए प्रोडक्ट्स देखने के लिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लाइटिंग और किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं एक अच्छे प्राइस में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। शुक्रिया। Yeah.